अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक होना चाहिए और विषम होना चाहिए वो पूर्णांक संख्या, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हमें किन किन को दर्शाना है कि ये विषम पूर्णांक है, 6q+1 को, 6q+3 को और 6q+5 को। यहाँ पर ये तीन संख्या दी गई है जो पूर्णांक विषम धनात्मक के रूप में यह है, 6q+1, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हल करेंगे कि माना कि ये पूरी संख्या क्या है, ये ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ बी का मान कितना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, 6 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है अपनी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो और आर बराबर कितना है, यहाँ पर 1 है। तो क्यू का मान अपने पास में यहाँ दिया नहीं गया है इसमें, ठीक है। तो ये आर का जो मान होता है, आर का जो मान होगा वो कितना होगा, आर का मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, ठीक है। आर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 6 से छोटा होगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ये जो मान है, ये 6q+r रख देंगे हम, ठीक है। यहाँ से शेषफल 1 है, तब हमारा ये जो मान है ये विषम धनात्मक पूर्णांक होगा या नहीं होगा। अब यहाँ इस r के अनुसार 6 से छोटा होगा, तो r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 एक क्या है, सम संख्या है, और क्यों के क्या है, क्यों एक भाजक है, भागफल है। तो किसी भी सम संख्या को किसी भी सम या विषम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सम संख्या प्राप्त होगी, तो सम संख्या अगर प्राप्त होती है तो उस सम संख्या में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 6q+1, ठीक है। मान लो क्यों की जगह 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये क्यों बराबर 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब मान लो इस आर की जगह हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 6q+2, ठीक है। तो 6q+2 रखेंगे तो यहाँ पर क्यों क्या है, क्यों है भागफल। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो मतलब ये क्या है, ये तो नहीं हो सकती, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप नहीं हो सकती। उसी तरह से इस पर 3 रखेंगे, ठीक है, तो 3 रखने पर क्या प्राप्त होगा अपने पास में, ये दोनों को गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, सम में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, विषम संख्या। उसी तरह से 6q+r की जगह 4 रखेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। और 6q+5 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी, और सारी की सारी संख्या धनात्मक होगी, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है कि ये जो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 जो है एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन 6q+0, 6q+4, 6q+2 ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। इस प्रश्न के अनुसार कि जो r का मान है 0 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6q प्राप्त होगा। r का मान अगर 2 रखेंगे तो 6q+2 प्राप्त होगा, अगर 4 रखेंगे तो 6q+4 प्राप्त होगा। तो ये सब तो क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होंगे, लेकिन 6 r का मान 1, 3 और 5 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। ये प्रश्न संख्या जो है 2 है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे सवाल।